हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज हम लोग डबल एक्सेल मूवी का रिव्यू, और इस मूवी को किस हिसाब से पब्लिक बता रहे हैं और किस हिसाब से इसका रिव्यू निकल के आ रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलेगी, मूवी रिव्यू हो, रिएक्शन हो या ट्रेलर रिव्यू हो, रिएक्शन हो, ए टू जेड यहाँ पर मिलेगी। और सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों का हेल्प का, सहायता का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं डबल एक्सेल का, जिसमें आपको सोनाक्षी सिन्हा देखने के लिए मिल जाएंगी और हुमा कुरैशी देखने के लिए मिल जाएंगी, और इसमें जहीर इकबाल देखने के लिए मिल जाएंगे और महत राघवेंद्र देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। ये जो मूवी आने वाली है जिस फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के दिन आने वाली है, यानी कि 4 नवंबर को आने। और इस मूवी में जो बात है ना, वो ये है कि ये एक डबल एक्सेल के नाम से आप लोग जान जाते हैं कि हाँ, मोटी आदमी के नाम का मोटा है लोग, उसी के ऊपर ये इसका मूवी की कहानी है। और इस मूवी का जो स्पेशल स्क्रीन रखा गया था, उसी के इर्द गिर्द में बात करते हैं कि इस मूवी का रिव्यू कैसे निकल के आया हुआ है और ऑडियंस के ये मूवी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि इसका ट्रेलर कहीं डायलॉग में सुन लिए थे, सोनाक्षी बोलती है कि कमर तो पतली ढूंढते हो, कमर जो पतली ढूंढते हो, और भी मतलब, और उसके बाद में अगर हम लोग जैसा चाहें वैसा अगर मांग ले कुछ चीज़ें, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोगों को मालूम है, सब ऑडियंस समझती है कि हाँ, ये क्या बोलना चाहती है और किस लिए बोल रही है। तो ये तो एक अच्छा बात है, लेकिन जो रिव्यू, जो रिएक्शन, जो क्रिटिक लोग हैं, लोग जो बड़े बड़े जो स्टार हैं, लोग जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, लोग डायरेक्टर हैं, लोग वो लोगों को मतलब इस मूवी को देखने के बाद में क्या रिएक्शन निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहले एक आदमी को मैं नाम बताता हूँ आपको, जैसे कि फराह खान है। फराह खान क्या बोली, से ये मूवी का जो मेन कैरेक्टर जो है लोग, वो लोग बहुत पसंद है, यानी कि सोनाक्षी और हुमा, उसके बाद में जहीर इकबाल और महत, ये सब मतलब बहुत ही पसंद आए। उन लोगों का एक्टिंग भी बहुत ही मस्त लगा, बहुत ही लाजवाब लगा। लेकिन क्या है ये कि ये सही हो सकती है? जितने भी मतलब गए थे देखने के लिए, सब आदमी यही बात बोले कि एक्टिंग बहुत मस्त है, स्टोरी बहुत मस्त है। लेकिन ये भी बात होती है कि बहुत सारे ऑडियंस ये बोलते हैं कि क्रिटिक जो है लोग, ये लोग जो देखने वाले हैं लोग, वो समोसा खाने वाला है लोग, समोसा खाने वाला है लोग। तो इसके वजह से मतलब मूवी का रिव्यू अच्छा देते हैं। लेकिन इसमें 100% ये भी बात है, सब गलत मूवी नहीं होती है। कुछ मूवी जो है वो एकदम परफेक्ट अच्छी निकलती है, लेकिन कुछ मूवी का स्टोरी थोड़ा ख़राब निकल जाती है। तो इसके लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो मूवी ठीक लग रही है और मूवी चलेगी। थोड़ा कॉमेडी टाइप की होगी और थोड़ा सीरियस माहौल पे होगी, और थोड़ा इसका स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग क्या लगता है कि इस मूवी का जो स्टोरी, जो कहानी बताई जा रही है कि बहुत ही मस्त है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा हो सकती है? तो मेरे हिसाब से हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पहले मूवी देख रहा है तो कुछ तो उससे लीक होकर कुछ ना कुछ तो बता रहा है, तो 100% श्योर हो सकती है। लेकिन अगर इसका इस मतलब उम्मीद में रहें कि ये मूवी का जो कलेक्शन है एक बहुत ही हाई लेवल पे आएगी, तो वैसा नहीं हो सकती है, वैसा इससे कलेक्शन नहीं आएगी, कुछ कमती आएगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है जब मूवी आती है, यानी कि बस एक दिन आज भर बाकी है, कल तो ये मूवी सबके ऑडियंस के सामने आ ही जाएगी, और जो रिव्यू दिए हैं वो लोग का भी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात होती है बिग बॉस में, जो ये हुआ था ना अंकित को लेकर, अपने कैप्टेंसी के लिए सारे घरों का जो खाना था वो कुर्बान कर दिया। तो ऐसा ही जो लोग जाकर देखते हैं फ्री में, वो लोग को भी अपना मतलब फ्री में देखने के लिए पूरे ऑडियंस को जो है ना पैसा कुर्बान कर देंगे, ऐसा लगता है क्या? ऐसा बात नहीं है, हो सकता है सही हो। लेकिन आप लोगों क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू हो, रिएक्शन हो, ए टू जेड यहाँ पे मिलेगी। कल का पठान का वीडियो डाला गया है, भाइयों जाइए वो रिव्यू देखिए, रिएक्शन देखिए, अवतार का भी रिव्यू करके डाले हुए हैं, तो वो भी जाकर देखिए। दोनों मूवी में से दोनों का VFX, दोनों का स्टोरी बहुत अच्छा लगा हुआ है। कल का यानी जो दिन था ना, वो बहुत ही लाजवाब था यार, बहुत ही फैंटेस्टिक था, जिस हिसाब से दोनों का ट्रेलर आया, और दोनों का ट्रेलर पब्लिक को, ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया। तो सपोर्ट कीजिए, चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए
बाय बाय।